मेरे सभी दगड़े होते हैं, मेरा भाई बहन होते, मेरे प्यार भरू नमस्कार कंचा आप सब दगड़े हो। मैं एक छोटी सी कोशिश करूँ छो अपना उत्तराखंड व्यंजन होते हैं सब समी लाने की, जो आज बहुत पिछने छूट गए नी कई बच्चा जो आजकल हमारे नई पीढ़ी ची वो सब ऊते जन दीब नी की क्या हमारे लोग पुराना खाना छा कन रहा छा। तो आज मैं शुरू करूँ छो अपनी पहली रेसिपी मंडवे रोटी जो हमारे उत्तराखंड फेमस रेसिपी ची। मंडवा ते भैर शहरी लोग रागी के नाव से जन दिन हुई थे और वो आजकल बहुत ही डिमांड माच रागी सुगरा मरीज और बहुत चीजों में डॉक्टर ये रिकमेंड कर दू कि आप रागी रोटी खाया करा। और हम गढ़वाली माते ढबड़ रोटी बोलदा तो चला आज हम बनाए ढबड़ रोटी। ढबड़ रोटी बनाने ते हम ते चेणु एक कटोर कोदो आटू या मंडवा जग ते बोल दिन और ये ते हम छान लियो अच्छे से और यहाँ माँ हमने मिक्स कर गेहूँ आटू तो आप बराबर मात्रा में भी ले सकता। मैं आधे कटोरी से मिलाणु अगर आप चाहे तो एक कटोरी भी ले सकता। बिना जो को आटो मिलाया ये रोटी नहीं बनती ढंग से, या तो वह रोटी फट जली और खाने में भी फिर स्वाद नहीं होती वह कड़कड़ी सी ले जाती रोटी। तो गेहूँ को आटो मिलाना जरूरी है तभी यह हमारी ढबड़ रोटी बना ली। तो आटे से अच्छे से गूंद देना और सॉफ्ट कर देना अच्छे से, जब का आटो गूंदी रहा उसका जुलबुल रोटी बना ली। ये हमने आटो गूंदी तो रख ली, ये तो 5-10 मिनट होते आटे तो रेस्ट परे छोड़ देना, थोड़ी देर ये तो आराम कर देना तब ये रोटी बनो ला। आटो हमारे गूंदी तो तैयार होगी। दगड़ियों यह रोटी जी जो बहुत ही फायदेमंद होंगी। पुराना लोग है उन्हें अपनी जिंदगी सारी ही रोटी खेकते काटी पर तत्काल लंबी आयु जींदा सब लोग भी तब ना हो तक दुख बीमारी होंगी चाहे ना हो तक शारीरिक परेशानी होंगी चाहे तब तो डॉक्टर भी नहीं होंगे छा नजदीक घोरा आस पास कोई डॉक्टर नहीं होंगे छा। और आप तो डॉक्टर भी घोरा आस पास मुख अगने सब हॉस्पिटल भी छन और बीमारी भी दस बनी लगी छन कि ना हम अपना पुराना खान पान थे अपना और आप ते स्वास्थ्य रखा दुख बीमारी से दूर रहने हम ते अपना पुरानी खान पान पर आन पोड़ लूँ। तवा गर्म होगी हमारू अब हम ही रोटी तय अच्छे से सेक लियो ला दी तरफा बटी। रोटी पकड़ में भी थोड़ा सी टाइम नहीं निकले कि रोटी मोटी होंगी तब तक हम दूसरी रोटी बेल देना जब तक हमारी ये रोटी पकनी। हमारा उत्तराखंड में ये तो कखी मंडवा बोलें दू कखी चूनू बोलें दू कखी कोदू बोलें दू। तो अब यू रागिया नौ से तो पूरी दुनिया जन नहीं आटे थे और लोग खाना भी पसंद करना छन जो अपने सेहत तो ध्यान रख दिन खाना भी छन। तो ये खाना के तरीका चू मैं आपसे बता दूँ दाल के भी दाल माँ सब्जी माँ आप उन खा सकता पर जो हम गढ़वाली लोग हम घी और गुड़े दगड़ी खाँ वाँगी दगड़ी आपको अलग ही स्वाद आँदू घी और गुड़े दगड़ी। ये रोटी दगड़े हमारी रोटी सीखे गया ये तो हम गैस में सेकला अच्छे से तवा माँ ये नहीं सीखें तवा माँ एक कच्ची रह जली गैस में हमने अच्छे से दुई तरफा बल्टी पल्टी करके सिकण के और अब हम दूसरी रोटी भी बनाए दियोला। यानी हमने सब रोटी बनानी एक एक कैक से गरम गरम रोटी घी और गुड़े दगड़ी से खाने में क्या आनंद दें दी दगड़ियों। आप ये तो हरी भुजी माँ भी खा सकता हरी भुजी दगड़ी बहुत स्वाद लगती और यह तो पुराने लोग तो खाते छा लू लहसुन लूण पिसू लहसुन हरी मिर्च लूण और मामा भी खाता छा यू रोटी रोटी से यहाँ को अपरू अलग अलग स्वाद चीज जै तरीका से जैसे पसंद वे तरीका से खा सकूँ। बाकी आप नॉर्मल सब्जी दाल माँ भी कुछ माँ भी खा सकता सबों को अपरू अपरू टेस्ट खाणो। वे जमाना में घर गाँव में इसका साधन होता नहीं चाह साग भुजी कभी होती है कभी नहीं होती है जो सगड़ों हरिया वहीं माँ बना पर घी गुड़ माँ तो अप ये को अलग ही स्वाद से या तो लहसुन माँ को लूण पीसी और वहाँ माँ खे गरम गरम तो दगड़ों ये हमारी बन गई मंडवे रोटी। या तो गरम गरम घी गुड़ माँ भी खा सकता और मैं लूण पीसी भी दिखा दे दूँ आपते सिलबटत में मुझ छनी ची पर मैं अपना किचन में काउंटर पर ही पीसूँ नमक हरी मिर्च और लहसुन लूण तो यहाँ माँ भी आप स्वाद लूला मंडवे रोटी। ये लूण और स्वाद सिलबटे माँ पीसण माँ दूँ मैं सीमा पीस दूँ मीती है कि खुशबू ये कुछ अपरू स्वाद रहा दूँ खत्म हो जाऊँ दूँ यहाँ का बना मैं ये तो स्लीप माँ पीसण छो आप भी नहीं पीसी थे और रोटी दगड़ी खाएगी देखनी आपसे बहुत पसंद आलू। एक तरीका मैं और बता दूँ आपते प्याज काटी थे वहाँ माँ थोड़ी सी नमक मिर्च और सरसों के तेल मिलाई नहीं वहाँ कश्मूली बने थे और एक बार वहाँ माँ भी रोटी खाएगी देखनी बहुत तरीका छन ये मंडवे रोटी खाना आप तो जन पसंद आप उन तरीके से खा सकता। यू लूण में भी हमारी रोटी तैयार होगी लूणे दगड़ी भी
पसंद कर सकते, आप जो है मीठू पसंद नहीं, घी पसंद नहीं, वो लूण में खा सकते। अर्धा गड़ा माइक प्याज दाणी धाड़ दे। मेरे सब गढ़ वाले भाई बंद सब ढबड़ रोटी बने नहीं जरूर और खेकते देखनी, आप सब उसे बहुत पसंद आनी, यह हेल्थ होते भी बहुत फायदेमंद ची। और आप ते अगर मेरी ये रेसिपी मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल ते लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करनी। धन्यवाद।